नमस्कार दोस्तों, एकादशी व्रत पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना गया है। बता दें कि प्रत्येक माह में दो बार एकादशी व्रत किया जाता है और हर एकादशी का अपना एक महत्व है। इस बीच बता दें कि साल में दो बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक पौष मास में और दूसरी श्रावण मास में। जैसा कि अब पौष माह चल रहा है, तो आइए जानते हैं साल पुत्रदा एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और इस दिन बनने वाले शुभ योगों के बारे में भी बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी को रात 7:26 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 21 जनवरी को रात 7:26 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:54 तक रहेगा। वहीं पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से लेकर 9:21 तक रहेगा। इसी के साथ बता दें कि द्वादशी तिथि से पहले एकादशी व्रत का पारण करना जरूरी होता है। ऐसे में बता दें कि द्वादशी तिथि का समाप्त 22 जनवरी को रात 7:51 पर होगा। आगे आपको बता दें कि इस साल पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो इस व्रत का महत्व और बढ़ा रहे हैं। बता दें कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिगही योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल 3:21 से लेकर 7:14 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग प्रातःकाल 3:09 से लेकर 7:14 तक रहेगा। इसके साथ शुक्ल योग सुबह 10:02 तक रहेगा और ब्रह्म योग सुबह 10:02 से लेकर अगले दिन सुबह 8:47 तक रहेगा। तो वहीं बता दें कि इस दिन धनु राशि में 3 ग्रह बुध, मंगल और शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे। इससे त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आप पर उनकी अपार कृपा बरसेगी और घर में सुख संपदा आएगी। बताते चलें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये पुत्रदा एकादशी व्रत उन दंपतियों के लिए खास माना गया है जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। इस एकादशी व्रत को पूरे श्रद्धा भाव के साथ करने से प्रभु के आशीर्वाद से खाली झोलियां भर जाती हैं। इतना ही नहीं, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी संतान सुख की कामना कर रहे हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।